मेरे को रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, मेरे ख्याल से अगर मैं चाहता हूँ कोई मेरे को प्ले करे तो शायद रणवीर सिंह। प्रिंस ऑफ भांगड़ा के नाम से मशहूर जाने माने सिंगर सुखबीर सिंह का बहुत दिनों के बाद एक नया गाना नच दी रिलीज हुआ है। इस गाने में सुखबीर बहुत ही एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, जिनका साथ अर्जुन ने दिया है। अर्जुन एक बहुत ही मशहूर रैपर है, जिनके गाने आपने सुने होंगे। दोनों उम्दा कलाकारों के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गाना कितना बेहतरीन होगा। नजदीक गाने में सुखबीर सिंह ने जमकर भांगड़ा किया है और वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में कह ढा रहे हैं। अपने इसी गाने के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से सुखबीर सिंह ने की खास बातचीत। इस बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी बायोपिक बनती है तो बॉलीवुड का कौन सा कलाकार उनकी बायोपिक में उनके रोल में फिट बैठेगा, तो रणवीर और दीपिका की जोड़ी उनकी बायोपिक के लिए सबसे बेहतरीन जोड़ी होगी। पाजी, आपकी लाइफ भी बहुत एक अच्छी प्रेरणादायी कहानी है। आप भारत में पैदा होते हैं, फिर केनिया में, वहां फिर लंदन आप जाते हैं, फिर दुबई में सेटल होते हैं, काम आप लगातार कर रहे हैं, बचपन से आपका अपना अलग स्ट्रगल वो सब रहा है, तो उसकी एक बहुत खूबसूरत और प्रेरणादायी कहानी है। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन पे कोई फिल्म बननी चाहिए? किताबें तो जरूर लिखी गई होंगी, अगर फिल्म बने तो कौन आपका किरदार निभाए इस समय? ये कभी किसी ने सजेस्ट नहीं किया, अगर वैसे इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, अच्छा लगा। मेरे को रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, मेरे ख्याल से अगर मैं चाहता हूँ कोई मेरे को प्ले करे तो शायद रणवीर सिंह। और फिल्म में दीपिका पादुकोण तो जरूर होनी चाहिए, वो तो मेरी फेवरेट है। उसके बगैर मैं फिल्म बनने नहीं दूंगा। पिक्चर बनाते हैं पाजी, और कौन कौन से इंसिडेंट मुख्य रूप से शामिल होने चाहिए? आपको लगता है कि मेरी कहानी में इतने साल केन्या, इतना पंजाब, तो इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ कभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इससे पूछ रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, देखो, अगर केन्या ना होता तो शायद ये जो मेरी साउंड है, सब कहते हैं कि आपका साउंड थोड़ा अलग है, ये मैंने कोशिश नहीं की थी। ये जो आप बड़े होते हैं ना, आप जो भी जॉनर्स आप सुनते हैं, वो अगर आप कंपोज करना चाहो तो वो नेचुरली आपकी कॉम्पोजिशंस में आ ही जाते हैं, अगर आप ना भी चाहो तो। सो अगर मेरी साउंड सबको अलग लगती है तो ये इसका कारण ये है, क्योंकि मैं केनिया में था और हमको अफ्रीकन म्यूजिक बहुत एक्सपोजर था, वेस्टर्न म्यूजिक बहुत एक्सपोजर था हमको, और वर्ल्ड म्यूजिक जैसे स्पेनिश सॉन्ग्स उधर काफी बजते रहते थे। तो बस यही सब सुन सुन के मैं बड़ा हुआ। तो एक तो ये था कि मैं बहुत ही कम उम्र में केन्या चल गया, ये एक टर्निंग पॉइंट जो कि डिक्टेट करता है कि आप क्या बनोगे। तो दूसरा टर्निंग पॉइंट था, मैं म्यूजिक तो शौकीय तौर पर कर रहा था, मेरे को बनना तो पायलट था, मैंने पिताजी को बोला भी था तब, और हम उस वक्त पे जब मैं करना चाहता था, और हम पिताजी ने बोला कि आप प्लीज देखो कि क्या होता है हिसाब किताब, तो मैं पूछा भी था। तो उस टाइम पर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि पायलट का जो कोर्स था, पीपीएल जब था केन्या में, मैं पूछने भी गया था, तो उस वक्त मैंने वो छोड़ दिया था। तो सो ये दूसरा टर्निंग पॉइंट हो गया थे, अगर मैं सिंगर ना होता तो शायद कमर्शियल पायलट होता। तो फिर मैंने सिंगिंग पर ही ध्यान दे दिया ज्यादा, तो ये एज अ हॉबी कर रहे थे। जब तक मैंने पहला गाना नहीं रिलीज किया, वो भी एज अ हॉबी रिलीज किया था, उसके बाद सब चेंज हो गया कि ये अभी मेरा प्रोफेशन बन गया है। पता भी नहीं चला कब प्रोफेशन बना, क्योंकि हमने गाना रिलीज किया, शोज की इंक्वायरी आने लगी, शोज शुरू कर दिए, तो बस चलता ही गया, और कुछ सोचा ही नहीं। और बाद में फिर जब वक्त मिला, लंदन में एलस्ट्री एरोड्रम थी, मैंने उधर जाके फिर मेरा पीपीएल कोर्स शुरू किया एज अ हॉबी। तो वो प्रोफेशन बनना था मगर वो हॉबी बन गया। ये जो हॉबी थी ये प्रोफेशन बन गई, तो ऐसे पूरा ऑपोजिट हो गया। तो मैंने कुछ 18.5 घंटे किए हुए हैं फ्लाइंग स्कूल में, छोटे प्लेन में, तो अभी 45 आवर्स उधर तब मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। सो मैं एक दिन खत्म कर दूंगा लाइसेंस की तरह ले, क्या बात है, फिर शायद मैंने दोनों देखा। हॉबी करूंगा। जब मैं जहाज उड़ाता हूंगा तो तब गाना गाऊंगा, तो दोनों मेरे जो पैशन है वो एक एक हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सपने अपने पूरे नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों में जीन्स की वजह से आ जाता है, क्योंकि आपके अपने जीन्स है। तो आपका बेटा कभी नहीं सोचता कि मैं उड़ान भरूं, ऐसा उसपे?
हाँ वो स्पेस का बहुत बोलता रहता है, बोलता मैंने मेरे को स्पेसशिप में जाना है, मेरे को रॉकेट रॉकेट उड़ाना है, वो तो 2 स्टेप आगे ही सोच रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छी है ये तो, ज्यादा ही बड़ा सोचोगे तो यू नो बड़ा ही होता है।